क्या आपको पता है कि हमको पीने का पानी कहाँ से सप्लाई होता है? नहीं पता है तो वीडियो देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पानी हमको मेडिसी का कहाँ से सप्लाई होता है। तो हम जा रहे हैं अभी सूर्या नदी, या आपको जो नदी दिख रहा है ये सूर्या नदी है, यहाँ से पानी हम लोगों को सप्लाई होता है जो कि पूरे बोईसर पालघर यहाँ में सप्लाई होता है, पूरे बोईसर और पालघर में सप्लाई होता है, ठीक है। अब इस नदी का नाम है सूर्या नदी, सूर्या डैम भी कुछ लोग जानते हैं, सूर्या नदी भी है, ठीक है। और इसी के बगल में बैठाया गया है आरओ प्लांट जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, आरओ प्लांट बैठाया हुआ है। इस नदी के द्वारा पानी प्लांट में लेके जाया जाता है, प्लांट में फिर उसको पीने युक्त बना के बोईसर और पालघर में सप्लाई किया जाता है। इस पानी को पाइप के द्वारा प्लांट में ले जाया जाता है और प्लांट से भी फिर वापस पाइप के द्वारा आपको बड़े बड़े पाइप के द्वारा बोईसर शहर पालघर शहर में पानी सप्लाई किया जाता है। जैसे इसके बगल में ही आरओ प्लांट है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ऐसे तीन जगह पे प्लांट है, ठीक है। इस ब्रिज के ऊपर अभी एक नया ब्रिज बन रहा है इस पुल के ऊपर, इस नदी के ऊपर, ठीक है। और मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे आपको रेड कलर का बटन देखा रहेगा उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। मैं आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बोईसर का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ और ये वीडियो को यहीं संपन्न करना चाहता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो कि ये ब्रिज के बगल में ही है, ये घोड़ा है जो बनाया गया है, ये पानी सूख गया है, ठीक है। जाते जाते मैं चलो एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको मैं, ये पार्क है एक, ठीक है, जो कि ब्रिज के जस्ट बगल में ही है, ठीक, जो कि हाईवे 2 मिनट का रास्ता भी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।